सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु और मीडिया का धन्यवाद करता हूँ यहाँ कि आप इतना प्यार देते हो। मैं पहले भी यहाँ पे हमने दिल तोड़ के गाना मनीष जी दिल तोड़ के गाना किया था शूट, और ये पहला मराठी सॉन्ग है जो उत्तराखंड की हसीन वादियों में शूट किया, और इसका श्रेय जाता है मेरा छोटा भाई मनीष मौर्या, मेरी छोटी बहन सुप्रिया और ऋतुजा। हाँ तो मतलब मस्त ये नई आर्टिस्ट है हमारे साथ श्वेता पंची, वैसे इन्होंने हिंदी गीत भी किए और गढ़वाली उत्तराखंड में आर्टिस्ट काफ़ी फिल्में भी कर रही हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में मैं मतलब जो अपने कल्चर को तो प्रमोट कर ही रहा हूँ कि मैं मराठी सिनेमा या बॉलीवुड सिनेमा को पहले भी मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ कि आप प्लीज़ आइए उत्तराखंड में शूट करें। उत्तराखंड एक बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत ही प्यारी वहाँ नेचर है वहाँ का, हरिद्वार ऋषिकेश से लेके गंगोत्री या वहाँ पे वादियाँ, क्योंकि हम जो बाहर जाते हैं शूटिंग के लिए दुबई हुआ या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया कहीं भी इंग्लैंड हो गया, हमारे उत्तराखंड आइए। मैं सभी पहले भी ये मैं बात कही थी मीडिया से, आज भी कहता हूँ कि प्लीज़ आप उत्तराखंड में आइए शूट कीजिए। उत्तराखंड एक बहुत हसीन वादी है दादा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार कि मुझे मौका मिला, और मराठी लोग बहुत पुराना नाता है मेरा मराठी दोस्तों से, मैं एक उनके लिए समर्पण भी करना चाहता हूँ कि यार मुझे मराठी सॉन्ग करने का मौका मिला। उसमें मनीष जी ने मेरे को इन्वाइट किया कि सर आप एक गीत कीजिए मराठी सॉन्ग, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग, और मैं बताना चाहूँगी कि जो एक गाना था वो सुन रहे गेरिया का वर्जन था, मराठी वर्जन था, और डायरेक्ट किया है ऋतुजा मैम ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे सुन रहे गेरिया बहुत हिट सॉन्ग गया है हमारे उत्तराखंड में, अच्छे खासे उसमें व्यूज़ और रील्स बन रहे हैं, और उसका मराठी वर्जन हमारे यहाँ पे शूट हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे मौका मिला। सुप्रिया मैम, मनीष और ऋतुजा मैम ने मुझे मौका दिया ये अपने चैनल पे काम करने का मौका दिया मुझे, और सोहन सर को भी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मराठी में। मैम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का आपने शूट किया, कैसे सब स्टार्ट हुआ, क्या कुछ हुआ, कुछ बताइए जर्नी एक तरह से। सी बेसिक हमारा कि ऐसा था कि हमने कुछ सोचा नहीं था स्टार्टिंग में करेंगे या नॉट, बट सुन रहे के लिए देहरादून गढ़वाली लैंग्वेज में इतना फेमस हो गया, सो सोहन भाई ने बोला कि चलो लेट्स डू इन मराठी, तो हमने सोचा कि चलो करते, और इतना कर रहे हमने क्या सोचा कि कल्चर अपना प्रमोट करते महाराष्ट्र में। सो आप गाना देखें आपने तो उसमें पूरा का पूरा आपने देखा है कल्चर वाइज, हमने पूरा नवारी से लेकर ट्रेडिशनल वे से मराठी से हमने स्टार्ट किया, तो बेसिक हमारा था कि चलो कर दिया, और अभी कैसे है ना कि आपका सबका सपोर्ट भी है। चलो स्टार्ट करते जी, बस मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि चाहे जो भी कल्चर हो जहाँ पे हम रहते हैं या जहाँ पे हमारा पूरा जो देश है उसमें जितनी भी लैंग्वेज है उस सब लैंग्वेज, देखिए हम लोग हिंदी में तो काम कर ही रहे बट हमारा फोकस है कि हम अपने रीजनल जो जितनी भी लैंग्वेजेस है उसको भी प्रमोट किया जाए। और ये जो गाना है हमने सोचा कि मराठी गाने जो लोनावला खंडाला में शूट होता रहता है बहुत सारे, जिनकी बजट नहीं होती है, बट ऋतुजा जी हमने डिसाइड किया कि ये हम लोग जो गाना है उत्तराखंड में शूट करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के लोग घूमने जाते हैं उत्तराखंड हिमाचल कश्मीर, तो जो लोग नहीं जा पाते वो कम से कम हमारे गाने के थ्रू पूरे उत्तराखंड को देख पाए, हमने बहुत 1% ही दिखा पाए हमें उत्तराखंड को, और ये गाना काफ़ी मतलब रेमेडी उसकी जो मेलेडी भी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहूँगा कि सारे मराठी दर्शकों का प्यार मिलेगा और इस मराठी ऑडियंस को और मराठी लैंग्वेज को बहुत सैल्यूट है मेरा कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ के यहाँ पूरे दुनिया और देश के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबको प्यार मिलता है, तो थैंक यू सो मच, और ये गानों को आप लोग बहुत अच्छे से प्यार दें। और सोहन भाई श्वेता जी ये उत्तराखंड के होते हुए भी उन्होंने बोला भाई मराठी कल्चर को ऑडियंस को हमें प्रमोट करना है, और इसमें हम और भी फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करेंगे, मूवी बनाएंगे, तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर चीज़ों को सोचते हैं, थैंक यू सो मच। आने वाले समय में सर और कौन से रीजनल भाषाओं में गाना जी, इस अगर ये गाना मराठी में हिट होता है तो हम चाहेंगे कि इसको साउथ लैंग्वेज में बनाएं, कन्नड़ तमिल और जो भी लैंग्वेज वहाँ की, गुजराती में बनाएं हम लोग, बंगाली में बनाएं, तो विजन हमारा है कि हम सारे, देखिए पूरा देश हमारा एक है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमें कैपेबिलिटी है तो हम पूरे हर देश के हर लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए, और फ्यूचर में हम एक बड़ी हिंदी मूवी भी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं उसके बारे में, तो आप लोग को इसकी अपडेट मिलेगी, तो थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गाना हमने जैसे सुन रहे के लिए गढ़वाली वर्जन है, गढ़वाली लैंग्वेज है उत्तराखंड की, बहुत लोग जानते हैं इसको,
बट ये गाने को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, गॉट अराउंड 800K व्यूज जो है. सो हमने सोचा कि इसको रीजनल लैंग्वेजेस हर स्टेट में करें ताकि गढ़वाली लैंग्वेज भी प्रमोट हो, उत्तराखंड का कल्चर भी प्रमोट हो, सिमिलरली साइमल्टेनियसली जो है हमारी महाराष्ट्रियन कल्चर एंड लोकेशन प्रमोट. सर आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जो लव सीन है, पूरा लव सॉन्ग है, तो एक साथ किस तरह से एक्सपीरियंस रहा सर लव सॉन्ग का? यार उत्तराखंड में तो मैं लगभग लव सॉन्ग ही कहता हूँ, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो अभी मेरे छोटी बहन ने कहा कि सुंडिया गैलिया उत्तराखंड में सुपर हिट सॉन्ग है और वो भी रोमांटिक है. जो हमारी उत्तराखंड की सुपर लोक गायिका है मीना राणा जी, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मराठी सॉन्ग गाया, तो मेरे लिए गर्व की बात होगी कि एक उत्तराखंड के सिंगर ने मराठी सॉन्ग भी गाया. उनके लिए गर्व, वो आ नहीं पाए आजकल क्योंकि नवरात्रि का मौसम वो सीजन है, तो उनके जागरण वगैरह काफ़ी चलते हैं. तो मैं उनकी तरफ से मराठी सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और पत्रकार बंधु मीडिया सबका, कि लव सॉन्ग तो मैं उत्तराखंड में काफ़ी करूँ. मैं हिंदी सॉन्ग भी लव सॉन्ग ही किया था मैंने, दिल तोड़ के, मनीष भाई दिल तोड़, तो मेरे पे काफ़ी लव सॉन्ग ही के मेरे लिए ऑफर आ रहे हैं. मैं पहली बार मराठी गया तो बहुत अच्छा लगा मुझे.